हेलो एवरीवन, मसालेदार मैजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया है एक बड़े से भगोने में पानी गर्म होने के लिए। और पानी जब अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें मैंने अपने अकॉर्डिंग जितना भी हमें चाहिएगा उस हिसाब से इसमें पास्ता डाल दिया है। और साथ ही इसमें मैंने थोड़ा नमक और थोड़ा ऑयल डाला था ताकि पास्ता हमारा चिपकेगा नहीं। और इस तरह से 4 से 5 मिनट में जब हमारा पास्ता बॉईल हो गया है अच्छे से, तो हमने इसमें छलनी में इसे निकाल लिया है। साथ ही ऊपर से थोड़ा सा नॉर्मल पानी डालकर मैंने इसे धो लिया है ताकि आपस में चिपके ना। उसके बाद एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा बटर डाला है। बटर के साथ ही जैसे ही बटर मेल्ट हो जाता है उसमें डाल दी है मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब में मैदा। और मैदा को इस तरह से चलाते हुए अच्छे से हम भून लेंगे इस तरह से। जब मैदा हमारी अच्छे से भून जाएगी तब लेना है 1 गिलास दूध और दूध को थोड़ा थोड़ा इस तरह से डालते हुए अच्छे से मिक्स करना है। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि जब भी वो व्हाइट सॉस पास्ता बनाते हैं तो उसमें लम्प्स रह जाते हैं। वो लम्प्स इसलिए रहते हैं क्योंकि दूध को आप एक साथ डाल देते हैं, बल्कि दूध को आपको धीरे धीरे डालना है और इस तरह से चलाते हुए इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। देखो इस तरह से बिल्कुल क्रीमी वाला टेक्स्चर यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से हमारा ये जो सॉस है बनकर यहाँ पर तैयार हो गई है व्हाइट सॉस। तो अब इसमें ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स, साथ ही थोड़ा सा ऑरगेनो। अगर पास्ते में आपने नमक ना डाला हो तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। और इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब लेंगे पास्ता जो हमने छल्ली में बॉईल करके रखा हुआ है, और इसे भी इसमें डाल दूंगी सारे को मैं और इसे मिक्स कर लूंगी यहाँ पर। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपने पास्ते में उबलती बार जब पास्ते को आप उबाल रहे थे तब नमक डाला था तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा नमक डालें। अगर आपने नमक नहीं डाला था पास्ते को उबलने में तो आप यहाँ पर नमक भी डाल लें। और इस तरह से पास्ते को 2 से 3 मिनट तक आपको फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट इस तरह से भून लेने के बाद पास्ता यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से हमारा व्हाइट सॉस पास्ता बनकर एकदम तैयार हो गया है। खाने में एकदम लाजवाब लगता है, बनाना काफ़ी आसान है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।